राष्ट्रीय राजधानी के नेहरू प्लेस में स्थित लोटस मंदिर दिल्ली के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह एक बहाई उपासना मंदिर है जहां पर ना ही कोई मूर्ति है और ना ही किसी प्रकार की पूजा की जाती है, जहां पर लोग केवल शांति और सुकून की तलाश में आते हैं। लोटस टेम्पल का उद्घाटन 24 दिसंबर 1986 को हुआ था, लेकिन आम जनता के लिए एक हफ्ते के बाद 1 जनवरी 1987 को यह खोल दिया गया था, जहां की वास्तुकला लोगों को अपनी ओर लुभाती है। लोटस टेम्पल को ईरानी वास्तुकार फरी बोर्ज सहवा ने कमल के आकार में डिजाइन किया था। इस मंदिर की कई खूबियों में से एक खूबी यह भी है कि जहां पर्यटकों के लिए धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी और ऑडियो विजुअल रूम बने हुए हैं। बहाई समुदाय के अनुसार ईश्वर एक है और उसके रूप अनेक हो सकते हैं। वह मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, इसलिए इस मंदिर में भी कोई भी मूर्ति नहीं रखी गई है, लेकिन मंदिर का नाम कमल मंदिर है। फिर भी इसके अंदर अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं है और वहीं किसी भी धर्म जाति के लोग इस मंदिर में आ सकते हैं। लोटस टेम्पल पहुंचने के लिए राजीव चौक से कालकाजी मेट्रो स्टेशन पर उतरकर ऑटो भी कर सकते हैं, या फिर आप जहां पर मेट्रो स्टेशन से पैदल यात्रा करके भी पहुंच सकते हैं। लोटस टेम्पल सर्दियों में आम नागरिकों के लिए सुबह 9:30 बजे खुलता है और शाम 5:30 बजे तक बंद हो जाता है। गर्मियों में जय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है, जहां कोई प्रवेश शुल्क नहीं होता, जहां किसी भी जाति और धर्म के लोग इस मंदिर में आ सकते हैं। इस मंदिर में 27 संगमरमर की पंखुड़ियां हैं, जिनसे मंदिर के अंदर जाने के लिए 9 दरवाजे हैं, जहां पर प्रार्थना करने की अनुमति है, इसलिए केंद्रीय कक्ष में 2500 लोगों के बैठने की क्षमता है और वहीं हाल का केंद्र 40 फीट लंबा है, जिसकी आंतरिक साज सजावट बेहद खूबसूरती से की गई है। कमल मंदिर को तालाबों और पार्क से सजाया गया है। मंदिर के निर्माण में तकरीबन 10,000 विभिन्न आकार के मार्बलों का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर बेहद ही खूबसूरत है और जहां पर लोग सुकून और शांति के लिए व जहाँ की सौंदर्यकरण को देखने के लिए आते ही जाते रहते हैं। जब आप भी दिल्ली आएं, एक बार जरूर बहाई के इस मंदिर में आएं और जहां पर अपना कुछ हसीन और सुकून भरे पल जहां जिएं।